एक तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबलपुर के मानकुर बाई कॉलेज में छात्राओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे उनका आक्रोश फूट पड़ा और एबीवीपी के साथ मिलकर कॉलेज में प्रदर्शन कर अपनी समस्याएँ प्रबंधन के सामने रखी। छात्राओं का कहना है कि डिजिटल इंडिया के तहत छात्राओं की फीस ऑनलाइन जमा होनी चाहिए, लेकिन आज तक कॉलेज में इसकी सुविधा शुरू नहीं हो पाई। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की कमी है, टॉयलेट्स में सफाई नहीं कराई जाती और लाइब्रेरी में अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जाती। करीब 10 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी आज छात्राओं ने प्रिंसिपल को सौंपा है। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि छात्राओं को हर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शासन स्तर पर उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए। महाविद्यालय में छात्राओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, इसके लिए हमने कुछ प्रमुख सूत्रीय मांग की है। विश्वविद्यालय में हमारी पुस्तकालय में अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें नहीं है, सफाई व पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, नोटिस बोर्ड जो है दिनांक के अनुसार नहीं लगते, पुराने नोटिस बोर्ड लगे रहते जिससे छात्राओं को सूचनाएँ प्रॉपर नहीं मिल पाती है। महाविद्यालय में आज भी आवारा जानवर घूमते रहते हैं जिससे छात्राओं को समस्या उठानी पड़ती है। ऑनलाइन फीस पेमेंट सिस्टम जैसे कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, परंतु आज तक यहाँ पर ऑफलाइन फीस पेमेंट सिस्टम है, यहाँ पे ऑनलाइन फीस पेमेंट सिस्टम नहीं हुई है। सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं पीछे, सीसीटीवी कैमरा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे छात्राओं का सामान चोरी हुआ है, मोबाइल पर्स, ये छात्राओं को नुकसान उठाने। कुछ हॉस्टल की गर्ल्स होती हैं वो जितने पैसे लेकर आती हैं पीछे रखे होते हैं वो चोरी हो जाते हैं, गाड़ियों से सामान निकल रहा है। यदि सीसीटीवी कैमरे लगने में टाइम लगता है, चूँकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो हम चाहते हैं यहाँ पर जब तक 2 वॉचमैन लगाए जाएं, और छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे वॉचमैन की संख्या भी बढ़ाने की मांग की है। साथ ही साथ हमने ये मांग की है कि विद्यार्थी परिषद अगर ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करते तो उसका विद्यार्थी परिषद यहाँ पर उग्र आंदोलन करे। छात्राओं ने मांग रखी है कि हमारे यहाँ पर जो साइकिल स्टैंड है उस पर कैमरे लगना चाहिए, तो कैमरे के लिए उसके लिए शासकीय प्रक्रिया के अंतर कैमरे लगवा दिया जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे आना जाने की व्यवस्था में सिक्योरिटी उतनी नहीं है, तो हमारी महाविद्यालय की तरफ से गार्ड रखा हुआ, सिक्योरिटी गार्ड रजिस्टर रखा हुआ है, उसको बराबर से एंट्री करने की परमिशन है। लेकिन हमारे परिसर में जो छात्रावास है उसमें आते हैं, बच्चियाँ आती हैं वो दूसरी जगह की रहती हैं, बच्ची हमारे कॉलेज का उसका नियंत्रण नहीं है, तो उसके कारण कोई आ जाता है तो पता भी नहीं चलता, वो पीछे से महाविद्यालय में प्रवेश कर लेता है। और कार खड़ी रहती है, स्केल का जो स्थान है वो सीमित है, बहुत छोटा सा हमारे पास है ही नहीं ज़मीन, इसलिए कार वहाँ खड़ी रहती हैं कि लड़कियों ने जो कहा ना कि खड़ी रहती हैं, उसके पीछे ये रीज़न है कि पानी भरा हुआ है, कारें कहाँ खड़ी होंगी, खड़ी होती हैं, लेकिन जब हम स्पोर्ट्स कराते हैं तो कारें बाहर रहती हैं हमारी पार्किंग। सबसे बड़ी चीज़ है बच्चियाँ, अगर आप वॉशरूम जाओगे पानी नहीं डालोगे, यहाँ बहुत सारे टॉयलेट्स हैं और दिन में 2-3 बार सफाई होती है। अगर कर्मचारी कोई छुट्टी पे है उस दिन की बात अलग होती है कि अगर पानी पंप नहीं खुला तो दूसरा आएगा तो खोलेगा जो पंप अटेंडेंट है, ऐसी कभी कभार ऐसी तो नहीं, मैं तो बराबर चक्कर लगा के देखती हूँ बच्चों।